हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 9 और आज दिन है संडे का। तो भाई, मैं अब सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े इकट्ठे करके अपनी यहाँ पे पोटली बना के रख दी है। अभी चाय ली हमने और देख रहे 9 बजने वाले ही हैं, पूरे 9 भी नहीं बजे, मैं आपको टाइम दिखा रही थी। तो भैया, यहाँ पर मैंने अपने क्या बोलते हैं कपड़े बांध के रख दिए हैं। खुशी इधर बैठी है, मम्मी बैठी, चाय चुई हमारी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी ऊपर, तो अभी मम्मी को याद आया कि चलो आज मेरे को ऊन वाला जो टोकरी है वो दिखाओ, खोल के क्या कुछ बाकी है पिछले साल वाला, ये मैं बनाया करती, आपको याद होगा। तो ये रह रही है, तो मम्मी ने इसका बॉर्डर बनाया नहीं, तो मैं इसका बना देती इसको, क्योंकि इसका बॉर्डर बनता है डिजाइन वाला, वो मेरे को आता नहीं है, तो मम्मी को ही बनाना था। तो मम्मी अपने हिसाब से ही करती है, जब इसका मन होता तब बनाती, तो ये इस चक्कर में मेरी रह गई थी। तो इसका एक पार्ट रह चुका है, वो मैं बनाऊँगी। एक मेरी जर्सी रखी है जो कि मम्मी बोली है अभी मैं तेरी बना देती हूँ, फिर बाद में मैं अपना भी कुछ और काम करूँगी। तो जो आधी अधूरी हैं ये हमने 3-4 जर्सियाँ निकाल ली हैं, तो ये हमारा काम भाई स्टार्ट हो जाएगा, जर्सी बुनने वाला है। गर्मी में नहीं बुनी जाती क्योंकि हाथों में लड़ती है ऊन, तो इस चक्कर में अभी ठंडी ठंडी हल्की ठंडी में ये बना देंगे और भाई ठंडी पूरी होगी तब तक हमारी बन जाएगी। तब तो मैं यहाँ पे ऊपर छत पे आ गई थी, तो संडे को तो मशीन लगती ही है, तो यहाँ पे मैंने खुशी से मोटर चलवाई। अभी ये फिक्स नहीं करवाई हमने मशीन अपनी कपड़े धोने वाली, क्योंकि अभी हमारा ये छत पे काम हुआ ना, तो इसलिए अभी वो अभी पेंट वेंट होना है, तो कह रहे थे अभी पेंट वेंट हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। तो जब तक इसको जाल पे ही रख ले, तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े भाई छाट रही थी। मैं इनको सीधा तो नीचे ही करके ले आई थी, पोटली बना के लाई थी तब, तो अब इनको जो मेरे को पहले डालने वो छाट रही हूँ और अलग से 2 हिस्से और बना दूँगी, या खुशी आए या मैं आऊँ, भाई जो आए फटाफट निकाल के कपड़े डाल दें। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा कि इनके भाग बना देती हूँ। तो वाइट वाले कपड़े जो नए हैं, वाइट हैं, लाइट कलर वाले हैं, वो मैंने पहले डाल दिए मशीन के अंदर। तो भी यहाँ पे मेरे कपड़े छाट छुट्टी चल रही है, और दिमाग में मेरी एक बात और चली हुई इस टाइम, मैं बहुत मतलब कि हूँ टेंशन में फिलहाल, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे भाई पानी डल चुका है मेरा मशीन में, और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने अपने गमलों में पानी दे दिया, बिल्कुल सूखे हुए थे। तो यहाँ पे हमारे भाई 3-4 दिन में भिंडियाँ उतर जाती हैं खूब, और यहाँ पे ये तोरी की बेल इतने फूल आ रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन 1 या 2 ही तोरी लगी हैं इस पर, पता नहीं क्यों फूल गिर जाते हैं इसके। तो देखिए, मैंने भाई ये क्या बोलते बैंगन के गमले हैं, सब में पानी दे दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बीच बीच में मैं एक और काम कर रही थी, ये है स्टोर हमारा, तो इसकी सफाई की है आज मैंने सॉरी इसकी सफाई की है मैंने। स्टोर में आपको कभी दिखाती नहीं, क्योंकि इसमें बच्चों की बुकें हैं, हमारा एक्स्ट्रा वाला सामान जो सारा इसके अंदर इस कमरे के अंदर ही रहता है। तो आज मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है मैंने और खुशी ने, तो खुशी होती है तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो जी देखिए, एक्स्ट्रा वाला सामान हमने ऊपर भी नीचे, यानी कि फुल एक्स्ट्रा वाला सामान है जो कभी कभी यूज में आता है, तो वो हमने यहाँ पे रखा, जैसे तेल है, अचार है हमारा, ये सब हमने इसमें रखा है। एक्स्ट्रा वाला डब्बा डब्बी में जो सामान था वो यहाँ रखा है हमारा। तो आज मैंने अपना ये स्टोर रूम साफ़ किया है, और भाई आराम आराम से मैं सारे कमरों में सफाई कर दूंगी जब तक दिवाली आएगी, तो मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि तब दिवाली आती है ना तो तब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो सफाई वाला काम भी बीच में हो जाता है ना, तो फिर अच्छे से नहीं होता। तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके अब बिल्कुल अच्छे सफाई कर रही हूँ मैं पूरे घर की। तो यहाँ पे खुशी ने पोछा लगा दिया है, झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है अब भाई, तो अभी मैं एक बार फिर ऊपर जाऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पे अपने कपड़े धो दिए छत पे, तो अब मैं जाऊँगी नीचे खाना बनाऊँगी। आज खाना नहीं बनाया है क्योंकि सफाई में घुस गए तो लेट हो गया, तो सबसे पहले जाके नहाऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। तो
तो चलिए आज मैं बनाऊंगी दाल सेव की सब्ज़ी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। पहले नहा लेती हूँ मैं। तो जी अब मैं नहा के आई हूँ रसोई के अंदर। रसोई मैंने पूरी साफ़ कर दी थी पहले ही। तो अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ नमकीन, जो कि के पापा आपकी बार सामान लाए थे रसोई का, तो खुशी ने और खुशी के पापा ने ही सामान सेट किया था। जो नमकीन होती है, बूंदिया होती हैं, ये सब ऐसा सामान जो नमकीन वाला होता है, जो ये हम खोल के डब्बे में नहीं डालते, वो ऐसे कैसे पैकेट में डब्बों में डाल देते हैं। और सामान बहुत ज़्यादा था तो मुझे मिल नहीं रहा था कौन से डब्बे के अंदर फिक्स कर रखा है। मैं बहुत गुस्से में थी, मैं खुशी पर चिल्ला भी रही थी, पता नहीं कहाँ रख देते हो सामान को, मुझे मिलता नहीं है, ना ही मेरे को बताया कि किस डब्बे में क्या सामान रखा है। तो यहाँ पर मैं ढूँढ रही हूँ, और खुशी अभी बाथरूम में है, वो ना रही है। तो मैंने वासु को भेजा है कि पूछ क्या कहाँ पे रखा है भाई सामान, मेरे को सब्ज़ी बनानी है। वैसे सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। तो अभी वासु गया है पूछने खुशी से, तो जब तक खुशी से पूछ के आएगा तो मेरे को डब्बे में नमकीन भाई मिल गई थी। तो जी देखिए, इसमें बहुत सारा पैकिंग वाला सामान रखा था। तो ये है, ये राजस्थान की सब्ज़ी होती है जो कि हम बनाते हैं, ये पनीर की सब्ज़ी को भी फैल करती है भाई यहाँ पे। तो खुश वासु ने थोड़ी सी नमकीन ले ली है मेरे से, तो मैं आपको दिखाऊंगी पास से। ये सेव वाली नमकीन होती है, मोटी नमकीन होती है। तो मैंने गैस खाली कर रही हूँ क्योंकि दूध उबा है, उसमें मैंने दूध को यहाँ से उतार दिया है क्योंकि जल्द जल्दी में कहीं हाथ लग गया दूध गिर जाएगा। तो मैंने टमाटर और प्याज और लहसुन ले लिया, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, बिल्कुल नॉर्मली सब्ज़ी बनती है, लेकिन पनीर से भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी बनती दूध के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं अपनी प्याज छील रही थी और लहसुन, यानी कि मैं तड़के वाला सामान यहाँ पे रेडी कर लूँगी अपना, तो आपको पास से दिखाऊँगी। तो जी देखिए, ये मैंने बिल्कुल रफली मोटे प्याज काटे हैं, इधर मैंने टमाटर पीस के रखे हैं। इसमें हरी मिर्ची चाहो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने कोई मिर्ची नहीं डाली क्योंकि सब नमकीन के अंदर ही एक्स्ट्रा मिर्ची है तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मेरा घी गर्म हो चुका है, मैं घी में सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा, और जो नमकीन है इसके अंदर सब कुछ है, यानी कि अजवाइन भी है, सब कुछ है, मिर्ची भी है, हल्दी भी, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखा, देखो सेव लिखा हुआ है इसमें, उल्टा दिख रहा है आप सबको। तो ये हल्दी की, हल्दीराम वालों की ये नमकीन है जो कि हम सब्ज़ी के लिए यूज में करते हैं। तो ये सब्ज़ी, ये जो नमकीन है ये ज़्यादा नहीं ली जाती क्योंकि ये फूल जाती है, ये बेसन की होती है तो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे मैंने नमकीन थोड़ी सी ली है। तो मेरा घी गर्म हो चुका है, जीरा भी पक चुका है, तो मैंने इसके अंदर लहसुन और प्याज डाल दिया है। तो उसको ज़्यादा भूनना नहीं है प्याज को, तो वो भी मैं आपको पास से दिखाऊंगी कैसा बनाना होता है प्याज, कैसा करना होता है प्याज को। तो ये मैंने नमकीन ले ली है, कम 2 चम्मच के करीब मैंने नमकीन ली है, 2-2.5 के करीब मैंने चम्मच नमकीन ले ली है। तो भैया अब मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो एक बार बना के देखना और मुझे बताना। तो जी देखिए, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी क्योंकि कैमरा दूर है, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो जी देखिए प्याज बिल्कुल अभी मेरा भूनने वाला है, अभी कच्चा ही है, तो इसको हल्का हल्का और मेरे को थोड़ा सेकना है। तो ये नमकीन है मोटी वाली, वो स्वाद सब्ज़ी बनती बहुत ही स्वाद। तो मेरा इधर प्याज भाई रेडी हो चुका है लगभग, ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का हल्का सेकना होता है। और टमाटर को बिल्कुल फाइन नहीं करना, बिल्कुल दरदरा दरदरा टमाटर को पीसना होता है। तो भैया देखिए, ये मेरे प्याज हो चुके हैं, तो इधर मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटर, 2 पीस के टमाटर डाल दिए हैं, और अब इनको पसाना है। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ पिसा हुआ धनिया जाएगा, नमक और हल्दी, ये 3 मसाले इसके अंदर डलते हैं, एक्स्ट्रा नहीं डलता कुछ। तो हल्दी और धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिया है, नमक मैं बाद में डालूँगी। तो इसको यहाँ पर पका लेते हैं धीमी धीमी आँच पर, तो इसको भाई 5 मिनट लग जाएंगे पकने में हल्दी को और धनिए को। जब ये जब अपना भाई घी छोड़ देगा तब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी नमकीन, और आपकी मर्ज़ी कस्तूरी मेथी डालो तो, यानी कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कस्तूरी मेथी ऐड की है इसके अंदर ये खुशबू के लिए। तो सब मेरा रेडी हो चुका है मसाला, तो अब इसके अंदर जाएगा मेरी ये नमकीन, और थोड़ा सा नमकीन को भाई जैसे मसाले के अंदर कोट करके फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं दूध, और फिर मैं डालूँ इसके अंदर नमक। तो अब सब्ज़ी 10 मिनट में सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं नमक डाल दिया यहाँ पे क्योंकि नमकीन में भी नमक होता है, अपने हिसाब से डालना होता है नमक भी।
तो जी देखिए अब मेरी सब्ज़ी उबलने लगी है, तो इसको 4-5 उबाल आएंगे तो ये सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से चला रही हूँ क्योंकि इसमें उबाल आने लगा है, तो मैं इसको चलाने लगी हूँ यहाँ पे। तो इसको एक बार फिर कवर कर दूँगी, तो 2-3 मिनट के बाद फिर मैं इसको चलाऊँगी। ये खूब उबलने लगी है तो ये जल्दी ही बन जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि बेसन की नमकीन तो ये जल्दी गल जाती है। तो ये देखिए इधर मैंने आटा लगा लिया, ये भिंडी तोड़ के लाई थी ऊपर से, तो इसको फ्रिज में रखूँगी और तवा रेडी करूँगी, चकला रेडी कर लिया मैंने।